हेलो गाइस, हाउ आर यू। माय नेम इज गगनदीप सिंह एंड वेलकम इन द पंजाबी ट्यूटर। सो अज्ज वीडियो दे विच मैं तुहानू दसन जा रहा कि स्पीकिंग दे विच फॉलो अप क्वेश्चन तुहाडे किस तरह के होने चाहिए आ कि तुसी उहनू सैटिस्फाई कर सको। जदों भी तुहाडे तो कोई फॉलो अप दा क्वेश्चन पुछया गया, उहदे कोल पहली गल तां कुझ क चीज़ां वा जो खुद दे विच ही सही नहीं हैगियां, एक बच्चे दे माइंड दे विच जो फिक्स कीतियां जा चुकियां कि तुहाडा फॉलो अप दी जो लेंथ आ उह 4 to 5 सेंटेंस होनी चाहिए आ। पहली गल, जो तुसी रिप्लाई करते हो, जो तुसी बोर रहे हो, जो तुहाडे तो क्वेश्चन पूछा हो, तुसी रिप्लाई करना शुरू करता तो तुसी कदे भी अपने माइंड दे विच सेंटेंसेस नहीं गिनते। ह्यूमन ब्रेन कदे भी सेंटेंसेस नू काउंट नहीं करता, जाने कि नंबर ऑफ सेंटेंसेस तो मायने रखती आ चीज़ कि तुसी सैटिस्फाई कर रहे हो। बस जो भी तुहाडी स्पीकिंग कंडक्ट कर रहा वा, फॉलो अप दे क्वेश्चन तुहाडे तो पूछ रहा वा, तुहाडा जो फॉलो अप दा क्वेश्चन आ, जो भी तुहाडे तो पूछा, थोड़े तो रीज़न पूछेगा कि क्यों होंगे समय के जो ज़्यादातर लोग आ वो दूजे की हैल्प नहीं करते गए। हाँ जी, कारण दसो ये। तो जो रीज़न आ, तुसी अपने रीज़न जाने कि तुसी मिनीमम जो रीज़न आ दो चूज़ करो, दो तुसी रीज़न दस के फिर सपोर्ट करना उन्होंने। जिमें तुसी टास्क टू दे विच करते हो कि जी पहला रीज़न है कि लोग बिजी होंगे, वो जो दो लाइन सपोर्ट दे विच बोलो, इतने दो भी कहना गलत आ, बल्कि जाने कि जिन्ना भी कॉन्टेंट तुसी उन सपोर्ट करन दे विच बोलना चाहुंदे हो, थोड़े क टाइम दा होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं। तुसी दो रीज़न नू तुसी पिक करो, क्योंकि रीज़न नू तुसी माइंड च काउंट कर सकते हो कि मेरा पहला रीज़न आ, थोड़ियां जिहियां चीज़ां उहदे बारे उन्हें बोलो, फिर सैकेंडली कह के दूसरा जो तुहाडा दूसरा रीज़न आ फिर वो दसो। जाने कि तुसी जो तुहाडी स्पीकिंग कंडक्ट कर रहे हो उन्हां नू सैटिस्फाई करना हुंदा, ना कि तुसी अपने माइंड दे विच नंबर ऑफ सेंटेंसेस नू काउंट करना हुंदा, तो ना ही वह किए जा सकते हैं। हर एक फॉलोअप भी 4 to 5 सेंटेंसेस का नहीं हो सकता, कई बार फॉलोअप की लेंथ होर भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डिपेंड करता कि तुसी सैटिस्फाई कर रहे हो या नहीं कर रहे। सो अपने माइंड के एक सिंगल फॉर्मूला रखियो। नंबर दो, जो भी तुसी फॉलोअप के क्वेश्चन का रिप्लाई करते हो तो मेक श्योर कि तुसी डिस्कशन कर रहे हो। ये जो पार्ट 3 हुंदा, पार्ट 3 का नाम हुंदा डिस्कशन पार्ट। तो कई बच्चे देखो जो भी लाइफ के किस नाल कोई चीज़ डिस्कस की जाती है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो के, हाँ जी, की जाती ना कि बहुत ज़्यादा काली दे विच बोल के, बहुत ज़्यादा हरी दे विच, बहुत ज़्यादा डर के। तो जो भी तुसी डिस्कशन पार्ट ते गल कर रहे हो तो मेक श्योर कि तुसी कंफर्टेबल होने चाहिए हो, तुहाडी जिहड़ी स्पीड है वो बाली तेज़ नहीं होनी चाहिए, तो कि सामने वाले बंदे नूं तुहाडा वर्ड आ जो जां तुहाडे जो सेंटेंस आ समझ आउण पूरी चंगी तरह। सो फॉलोअप दे विच दो चीज़ें याद रखियो, तुसी कंफर्टेबल होने चाहिए हो तो तुसी सैटिस्फाई करना वा, ना कि नंबर ऑफ सेंटेंस नूं अपने माइंड दे विच काउंट करना। तुसी फॉलोअप दे विच फॉर एग्जाम्पल भी दे सकते हो, तुसी कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं देख चुका जां फॉर एग्जाम्पल जिवें सोसाइटी दे विच देखिया जा चुका। जो तुसी डिस्कस कर रहे हो तो वो तुहाडे तो परसनल चीज़ पुछ सकदे कि तुसी चीज़ नूं कोई देख चुके हो जां इह चीज़ तुहाडे नाल हो चुकी है। जे नहीं भी पुछा तुसी, जे तुसी किसे ने कि रीज़न के बारे गल कर रहे हो तो चलते चलते सपोर्ट करते करते खुद दे विच जिक्र कर सकते हो, क्योंकि तुसी अपने पॉइंट नूं स्ट्रेंथन कर रहे हो जस्ट। तो ये चीज़ों अपने माइंड के रखो, फॉलोअप क्वेश्चन तुहाडे जिहड़े हैगे उह 7+ बैंड दे होणगे। सो मैं नैक्सट वीडियो जो बनाऊँगा उहदे विच मैं तुहानूं सारी स्पीकिंग के बारे दसूँगा, होल स्पीकिंग के परफॉर्मेंस तुहाडी किवें होनी चाहिए, किवें तुसी उस चीज़ को बेहतर कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो में शेयर करो जो बच्चे फॉलोअप तो डर लगता, जिन्हें नहीं पता कि फॉलोअप के रिप्लाई सानूं किदां देने चाहिए। So till then, take care.